सिर्फ बिहार नहीं, झारखंड में भी सियासी सरगर्मी बहुत तेज चल रही है। झारखंड में सत्ताधारी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। बताया जा रहा है कि जेएमएम में भी जबरदस्त उथल पुथल है, वहां पर सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं। ईडी के नोटिस को चुनौती देने वाले ये वो हेमंत सोरेन हैं, जिनके कुनबे में अजीब सी बेचैनी है। 6 बार ईडी के नोटिस को नकार चुके हेमंत सोरेन को जब 7वीं बार नोटिस मिला, तब से रांची के सियासी गलियारों में अजीब सी चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी को यह एहसास हो गया है कि उनकी कयामत की घड़ी नजदीक आ गई है, द डे ऑफ रेकनिंग हैज कम। सवाल यहीं से उठने लगा, क्या झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या ईडी के चक्रव्यूह में फंसे हेमंत सोरेन इस्तीफा देने वाले हैं? क्या 24 साल के झारखंड को 7वां मुख्यमंत्री मिलने वाला है? सवालों की जड़ में है एक विधायक का इस्तीफा, जिसके बाद कयासों का दौर चल निकला है। हम आपको इस्तीफे के बारे में विस्तार से बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए, हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वीं बार नोटिस भेजा, पूछा है कि बताइए आपसे कहां पूछताछ करनी है। इससे पहले 6 बार हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस को नकार चुके हैं। भूमि घोटाला मामले और रेत खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री को 14 अगस्त 2023 को ईडी का पहला नोटिस मिला था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्हें दोबारा 24 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। 9 सितंबर को फिर से उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने व्यस्तताओं का हवाला देते हुए तारीखों को छोड़ दिया। फिर 23 सितंबर को 4थी बार ईडी ने नोटिस भेजा, लेकिन फिर से वो नहीं गए। 4 अक्टूबर को फिर से ईडी ने बुलाया। 6थी बार 12 दिसंबर को ईडी ने हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा, लेकिन झारखंड के सीएम ने ईडी के सामने पेश होना उचित नहीं समझा। हेमंत सोरेन को 5.5 महीने में 7 बार नोटिस मिला है। ईडी ने 2 दिनों का वक्त दिया था, लेकिन वो समय भी अब बीत चुका है। दरअसल रांची के बड़गाई इलाके में फर्जी दस्तावेजों से आदिवासियों की जमीनों की खरीद बिक्री से जुड़ा यह मामला है। ईडी ने अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार लोगों में एक पूर्व आईएएस अधिकारी भी शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय के सवाल जवाब से बचने के लिए हेमंत सोरेन अदालत तक गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। अब जब 7वें नोटिस का वक्त बीत गया, तो अचानक ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया। गिरिडीह जिले के गांडीय विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा मिल चुका है। उन्होंने अपना इस्तीफा हमको समर्पित किया। मैं भी उनका निजी कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया। इस टेन्योर में तो करीब 4 साल रहे और जो कार्यकाल बची हुई है उसके लिए इस्तीफा दिया। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर इससे आगे की ये है कि राजनीति में वंशवाद को विस्तार देने वाले हेमंत सोरेन ने नई पटकथा लिख दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे के पीछे हेमंत सोरेन की मर्जी है। गांडिया विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उपचुनाव लड़ेंगी, क्योंकि चर्चा है कि ईडी के चक्रव्यूह में खड़े हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और अपनी जगह पत्नी कल्पना सोरेन को सत्ता के शीर्ष पर बैठाएंगे। कल्पना सोरेन इस वक्त विधानसभा की सदस्य नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री बनने के लिए 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। ऐसे में हो सकता है कि कल्पना को मुख्यमंत्री बनाकर 6 महीने के अंदर गांडेय विधानसभा से चुनाव लड़वाया जाए। बीजेपी से बागी होकर चुनाव जीतने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी कमोबेश ऐसा ही कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सब ठीक रहा तो गांडेय विधानसभा का उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकता है, लेकिन उसके पहले संभावित गैर विधायक मुख्यमंत्री को विधानसभा पटल पर बहुमत साबित करना होगा। यह अग्नि परीक्षा सरल नहीं होगी। सरयू राय ने तो यहां तक भविष्यवाणी की है कि झारखंड में लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ हो सकते हैं। झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी सोशल मीडिया पर कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता भी संकेतों में यही कह रहे हैं। देखिए, राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किस वजह से उन्होंने दिया इस्तीफा वो तो बखूबी वही बता पाएंगे, और बाकी तो अटकलबाजियां हैं। लोग कयास लगाते रहे, इसके व्यक्तिगत कारण भी उनके हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी कहती है कयामत आने वाली। मुख्यमंत्री जी को पता है कि अब कयामत की घड़ी नजदीक आ गई है, उनका जजमेंट डे नजदीक आ गया है, और ईडी के 7वें सम्मन पर भी उन्होंने तय सीमा में जवाब नहीं दिया।
तो उनको शायद पता है कि अब बहुत दिन भाग हेमंत भाग का खेल नहीं चलेगा, इसलिए शायद वो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी मैदान में खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ देश में झारखंड की छवि को खराब करने के लिए झारखंड के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और ये ठीक नहीं है। इसका जवाब हम लोग जो जनता जनार्दन होती है उसके माध्यम से देने का काम कर रहे हैं। जो भी, इतना तय है कि झारखंड की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुंभ में। यही वजह है कि झारखंड में फिर से मुख्यमंत्री परिवर्तन की चर्चा चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो सूबे को पहली बार कोई महिला सीएम मिल सकती है, लेकिन एक बार फिर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी 5 साल पूरा होने से पहले चली जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक सिर्फ एक ही बार मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जबकि 11 बार मुख्यमंत्री परिवर्तन हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।